Слава Україні! Дякую Канаді! Ukraine and to the United Kingdom. इन निरर्थक तालियों और सूखी बधाइयों का आखिर जेलेंस्की करेंगे क्या? रूस से बचाने के लिए नाटो देशों ने यूक्रेन को पहले मदद का दिलासा दिया और बाद में खड़े होकर ये तालियां। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि तालियों से ऊर्जा तो बहुत मिलती है, लेकिन मदद मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं। आज कनाडा की संसद में जेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए मदद मांगी, जिसके बदले में कनाडा की संसद में नेताओं ने खड़े होकर जेलेंस्की के लिए तालियां बजा दी। जेलेंस्की ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और वहां के सांसदों से ये मदद मांगी कि यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन बनाने में कनाडा यूक्रेन की मदद करे। तालियों से यूक्रेन को बचाया जा सकता तो ये युद्ध शायद 1 मार्च को खत्म हो जाता, जब यूरोपियन संसद में पहली बार जेलेंस्की ने अपना जोशीला भाषण दिया था और हाथ उठाकर हार ना मानने वाला अंदाज पूरी दुनिया को दिखाया था। यूरोपियन नेताओं ने भी तालियों की गूंज से जेलेंस्की का जोश बढ़ा दिया, लेकिन यूक्रेन की बर्बादी को रोक नहीं पाए। रूस ने एक एक करके यूक्रेन के शहरों को खंडहर बना दिया। लाखों लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं और लोगों की उम्मीद टूट रही है, लेकिन जेलेंस्की अब भी यूरोप के देशों को उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं और पश्चिमी देश दूर से ताली बजाकर जेलेंस्की का उत्साह बढ़ा रहे। 8 मार्च को ब्रिटिश संसद में भी यही हुआ, जब जेलेंस्की के समर्थन में ब्रिटिश नेताओं की तालियों से पूरी संसद गूंज गई और इन 8 दिनों में चेर्नोबिल से लेकर जेपोरिजिया तक, खेरसन से लेकर मारियोपोल तक, सुमी से खार्कीव तक रूसी हमलों से शहर के शहर मिटते चले गए और अब कीव पर कब्जे की बारी है। लेकिन इन सब के बीच जेलेंस्की अपनी नायक वाली छवि बनाने में सफल साबित हुए। इस दौरान जेलेंस्की को भी समझ आ गया कि नाटो से तालियां तो मिलेंगी लेकिन नाटो का साथ नहीं, इसलिए जेलेंस्की ने इस उम्मीद का दामन छोड़ना शुरू कर दिया है। नाटो से नाउम्मीद होकर जेलेंस्की ने मान लिया है कि अब खुद ही लड़ना होगा, खुद ही सुलह समझौते पर बात करनी होगी, रूस से खुद ही निपटना होगा। हालांकि युद्ध से पहले जेलेंस्की के तेवर कुछ अलग थे, तब नाटो पर उनको पूरा भरोसा था। कीव से श्वेता सिंह और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।